This conference will now be recorded. चरक सूत्रस्थान अध्याय चार श्लोक नंबर 11 क्रिमिघ्नानी द्रव्याणी अक्षी व मरीच गंडीर केबुक विडंग निर्गुंडी किणीही श्वद्रंष्ट्रा वृषपर्णी वृषपर्णिका आखुपर्णिका इति दशेमानी क्रिमिघ्नानी भवन्ति। आज हम कृमिघ्नानी देख रहे हैं। माने कृमिघ्नानी इन सभी द्रव्यों का परिशीलन करने के बाद एक बात ध्यान में आती है कि ये सभी के सभी द्रव्य कटुतिक्त उष्ण है। प्रायः सभी द्रव्य कटुतिक्त उष्ण रूक्ष है। देखिए पहला अक्षीव। अक्षीव के दो अर्थ है, शोभांजन और मुस्का। तो यहां शोभांजन अपेक्षित है। मरीच आप सभी जानते हैं, रूक्ष उष्ण कटु। गंडीर ये शाक है, ये भी कटु उष्ण है। एक द्रव्य ऐसा है कि जिसका कहीं भी मुझे पता नहीं मिला, उसका नाम है केबुक। इसका अर्थ ना किसी निघंटु में मुझे मिला, ना डिक्शनरी में मिला। इसका भी शोध ले रहा हूं, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यदि आपको मिल गया तो अगली बार बताइए, या कभी बताइए। विडंग सबको पता है, विडंग कटु उष्ण रुक्ष है। निर्गुंडी ये भी कटु उष्ण रुक्ष है। अपामार्ग तिक्त उष्ण कटु है। अब इसमें अपामार्ग में उसके जो फल है, यानी तंडुल जिसको कहते हैं हम लोग, वे स्वादुतिक्त और दुर्जर है। और किणी के पत्ते जो है ये तिक्त उष्ण कटु है। उसकी शाख बनाई जाती है, वो शाख तिक्त श्रोतो विशोचनी है और फल भृंगण है। ये नया विषय मुझे पता नहीं था। मैं अपमार्ग से सीधे तंदुल का ही उल्लेख करता था, लेकिन जब इसका शोध लिया मैंने कि ये इसका रस क्या है, तो अपमार्ग तंदुल का रस मधुर है, वो भृंगण है। हालांकि तीक्ष्ण भी है लेकिन भृंगण है। स्वदंष्ट्रा इसका भी पत्ते काम में है, पत्ते तिक्त है, श्रोतो विसर्जनी है और फल भृंगण है। तो यहाँ उसके पत्ते यानी शाक ये तिक्त श्रोतो विसर्जनी है। वृषपर्णी और आखुपर्णी ये नाम में परिवर्तन है, लेकिन उसके अर्थ, दोनों के अर्थ आखुपर्णी ऐसा ही है। वृषपर्णी की टिप्पणी में कल्पद्रुम में, शब्द कल्पद्रुम में लिखा है, वृषस्य मूषकस्य कर्णैव पर्णयस्याः सावृषपर्णे। वृष यानी मूषक, आखो यानी मूषक। फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है कि वृषपर्णीय वृक्ष विशेष है और आखुपर्णीय लता विशेष है, और दोनों कटुतिक्त है, कफामय और कृमिघ्न है।
लता को दीर्घायनी कहते हैं और उसको आखुपर्णी कहते हैं। इस प्रकार सभी द्रव्य कटु तीक्ष्ण उष्ण तिक्त है, रुक्ष तो है ही। अब प्रश्न यह आता है कि कृमि ने इन तीन द्रव्यों का उल्लेख, तीन रसों का वह प्रयोग क्यों किया? एक पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कृविघ्न शब्द से सर आपका माइक म्यूट हो गया है। थोड़े से गुंग करके बंद करके निकाल देते हैं गट्ठा। सर फिर से बताएंगे क्या? बीच में सुनाई नहीं देखते दिया। हैं ना, तो अब कृमिघ्न शब्द इसका अर्थ क्या हो सकता है? घ्न शब्द का अर्थ मारना, ऐसा डिक्शनरी मीनिंग होगा, लेकिन कृतघ्न यानी किए हुए भाव को न जानने वाला, नष्ट करने वाला, पित्त घ्न पित्त के परिणामों को नष्ट करने वाला, ये घ्न शब्द का अर्थ है। या कृमिघ्न का अर्थ कृमि उत्पन्न करने वाले, परिस्थिति को नष्ट करने वाला और कृमियों को शरीर से दूर करने वाला, यह अपेक्षित है। मारना ही अपेक्षित यहां पर नहीं। हाँ, वो कहीं कहीं हो सकता है, जहां व्रणों में अथवा शस्त्रक्रिया के बाद है, उसमें उसका वर्णन संस्कृत में किया है, तो वो न हो इसके लिए प्रयास है और उनको नष्ट करने की प्रयास भी है। तो यहां पर, वहां पर शायद कुछ दवाओं का प्रयोग हो सकता है, लेकिन आयुर्वेदीय परंपरा और आयुर्वेदिक विचार ये थोड़ा सा दोनों जगह पे भिन्न है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कृमियों को जहां आवश्यक है वहां नष्ट करने की प्रक्रिया अभिप्राय ग्रंथकर्ता को नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके कृमियों की चिकित्सा उनको मारने की नहीं है। वो कैसी है बताऊंगा मैं, तो उस आधार पर इन द्रव्यों का चयन हुआ है। दूसरा विषय, कृमिघ्न द्रव्यों के प्रयोग का अवसर कहाँ पर है, कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ करना चाहिए, ये भी हमें देखना है। देखिए, चरक के सूत्र स्थान के यंत्र शीर्षी अध्याय में जाइए। यंत्र शीर्षी अध्याय श्लोक नंबर 28 और श्लोक नंबर 26
36 37 38 ये श्लोक हमें हाँ, पढ़ना है। चरक सूत्रस्थान अध्याय सेवेंटीन 27 28 श्लोक नंबर 27 28। तिल क्षीर गुड़ अजीर्ण पूती संकीर्ण भोजनात् क्लेदो और असु कफ मांसानाम। 36 37 और 38 पढ़ो। पहले 27 पढ़ो, सत्ताईस अट्ठाईस क्षीर यहाँ ट्वेंटी पाप सेवन कर्म ट्वेंटी एट पहले पढ़ो। 28 तत शिरसि संक्लेदात क्रिमया पाप कर्मणा जनयंती शिरोरोगम जाता विभत्स लक्षणम। पढ़ो 36 रोगे तू पढ़ो। सर हेलो, ऐकू येते है? पढ़ो हेलो, चलेगा। ऐकू येते है सर? हेलो, यस मैडम। हाँ मेघना तो ऐकू कौन येते पढ़ है। रहा है? मैं हेलो पढ़ता मेघना हूँ, मैडम। चलो। त्रयोष जे त्रिदोषजे तु रुद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते तिलक क्षीर गुड़ादिनी ग्रंथि तस्य उपजायते। रुद्रोग है, यो दुरात्मा निषेवते तिलक्षीर गुड़ादीनि ग्रंथि तस्योपजायते। यो दुरात्मा, दुरात्मा का अर्थ है आत्मसंयम जिसका नहीं है, जो कहा हुआ नहीं मानता है किसी का, या नियम पालने की उसकी इच्छा नहीं है, उसको दुरात्मा कहते हैं। जो दुरात्मा निषेवते, निषेवते एक क्रियापद है, निषेवते आत्मदेवोदी क्रियापद है, खाता है। क्या खाता है? तिलम तिलम निषेवते, क्षीरम निषेवते, गुड़ादीनि निषेवते। आदि में क्या आता है बाद में बताऊंगा। ग्रंथिस तस्योपजायते, उसे शोथ उत्पन्न होता है। ग्रंथि शोथ का अर्थ अभिप्राय है। और इस ग्रंथि में एक जगह पर कहीं एक देश संक्लेदा उत्पन्न होता है। यहाँ पर शोथ शोथ उत्पन्न होता है, वहां पर स्क्लेद निर्माण होता है। इसी कारणों से संक्लेदम रसः अस्य उपगच्छति। रसः का विसर्ग है, उसका उसका श हुआ है, च अलग निकालना है। रसः च अस्य अलग निकालना है, अस्य यानी उस व्यक्ति का। उपगच्छति, उपगच्छति ये गतिवाचक शब्द है। किम गच्छति? संक्लेदम गच्छति। वहां पर मर्म में, हृदय में एक कहीं ना कहीं क्लेद उत्पन्न होता है। और क्लेद उत्पन्न होने बाद क्लेदात भवन्ति उपहतात्मनः। क्लेदात संक्लेदात, ये पंचमी है। क्लेद से, क्लेद के कारण भवंती ये क्रियापद है। भवंती का संधि हुआ है भवंती और उपहतात्मना, तो उसको भवंती को अलग निकालना है, उपहतात्मना को अलग निकालना है। संक्लेदात उपहतात्मनः, ये व्यक्ति का नाम है, विशेषण है, पुरुष का विशेषण है, उसकी षष्ठी की है।
उपहतात्मना षष्ठी है, जो नियम पालन नहीं करता है, अस्य षष्ठी अस्य उपहतात्मना है, जो कि तिलक्षीर गुड़ खाता है उसमें क्रिमयः उपगच्छन्ति, क्रिमयाश्च उपगच्छन्ति, जैसे क्लेद होता है वैसे पर वहां पर कृमि उत्पन्न होते हैं। अब देखिए हृदय में होने वाले कृमि, ये इसका अभिप्राय क्या है? यहाँ पर अभिप्राय है सूक्ष्म जीवाणु, परम सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रो, ये अपने पेट में होने वाले बड़े कृमि नहीं है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब कहते हैं उसको। और वो वहां पर जाता है भक्षयन्ति च, भक्षयन्ति यानी व्याधि करते हैं, व्याधि करते हैं, कुछ लक्षण निर्माण करते हैं, और सर्पन्ति च बढ़ते हैं, फैलते जाते हैं, एक जगह हुए पे पढ़ते पढ़ते वो अन्यत्र भी चले जाते हैं सौवानियां। इस प्रकार तो इसमें और लक्षण क्या होते हैं? तुद्यमानम हृदयम, हृदय में वेदना होती है सुई चुभी जैसी, अथवा कोई शस्त्र का आघात हुआ ऐसी बड़ी रुझा होती है। ये कृमिज हृदरोग का लक्षण है। और आपको ध्यान में आया होगा कि जो हेतु बताए हैं वो कैसे हैं? तिलक्षीर गुड़ादिनी यानी संतर्पणजन्य है। यही अवस्था श्लोक क्रमांक 27 में है, यही अवस्था है। 27 पढ़ो, 27 27 27 पढ़ो। तिल क्षीर गुड़ अजीर्ण कूति संकीर्ण भोजनात् क्लेदो अश्रु कफ मांसानां दोषलस्य उपजायते ततः शिरसि संक्लेदात् क्रिमयः पापकर्मणः जनयन्ति शिरोरोगं। इसमें भी क्या था? विभिन्न दोष 27 पढ़ो। हेलो सर, ऐकू येतंय का? हेलो, एक एक पढ़ो। हाँ, एक एक कर तो तील क्षीर गुड़ अजीर्ण पूति संकीर्ण भोजना। हेलो सर, वाचू का पुढचं? हाँ सर, वाचू का पुढचं? हेलो हेलो सर, हेलो सर, ऐकू येत आवाज नाही आ रहा क्या? येतोय सर, तुम्हाला आमचा आवाज येतोय का? सर आ रहा है आपका आवाज? हेलो सर, आपको मेघनाथ मॅडम का आवाज आ रहा है? सर परत वाचायचा का श्लोक? हेलो This conference will now be recorded. तील क्षीर गुड अजीर्ण पूति संकीर्ण भोजनात् क्लेदः अश्रु कफ मांसानां दोषलस्य उपजायते तथा शिरसि संक्लेदात्। यहाँ पर वही शब्द है, तिल क्षीर गुड़ अजीर्ण पूति संकीर्ण भोजनात्। यहाँ वहां पर जो रुद्रों में हमने आदि शब्द का प्रयोग किया वो आदि शब्द से अजीर्ण और पूति संकीर्ण ऐसा है। तो इस प्रकार शिरोरोग में शिर में भी क्रिमया होती है, शिरोरोग में भी दोषलस्य उपजायन्ते, दोषलस्य शब्द है दोषल शब्द,
पाणिनि के अनुसार ये ल शब्द बहुलता वाचक है, बहुदोष वाचक शब्द है। पिच्छिल, श्लेष्मल ऐसे जो शब्द है ये बहुदोष वाचक है। तो इन दोनों लोगों में क्लेदो अश्वक मांसा नाम उपजायते, रक्त मांस इनमें क्लेद उत्पन्न होता है, ऐसे लोगों में फिर कृमि होते हैं, शरीर में भी कृमि होते हैं। यानी कृमि की उत्पत्ति ये संतर्पण जन्य है। एक हुआ। अब हम जाएंगे विमान स्थान के छठवे सातवें अध्याय में, अध्याय सात व्याजित रूपी अध्याय, पेज नंबर 257। अब यहां पर दो तीन प्रकार के कृमियों का वर्णन है। श्लोक नंबर 9, 10, 11 और 12 सब भी देखेंगे, एक एक पंक्ति देखेंगे। मैं बताता हूँ कौन सी पंक्ति देखना, वो देखेंगे। अब पहले देखिए 9 नंबर, चरक विमान स्थान अध्याय 7 श्लोक नंबर 9, इह खलु अग्निवेशः अग्निवेश विंशन्ति विधाः क्रिमयाः पूर्व पूर्वम उद्दिष्टा नाना विधेन प्रविभागेन अन्यत्र सहजेभ्यः ते पुनः प्रकृति भीः विभज्यमानाः चतुर्विधा भवन्ति, चतुर्विधा भवन्ति तद्यथा पुरीषजाः श्लेष्मजाः शोणितजा मलजाः च इति। मलजाश्चेति। तो इस प्रकार इन कृमियों का वर्णन अग्निवेश ने पूछने के बाद भरद्वाज ने यहाँ पर किया है। देखिए यहाँ एक बात आपको अभी मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान में सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब भरद्वाज उसको बता रहे थे, तस्मै प्रोवाच भरत भगवान अत्रेयः, अत्रेय अग्निवेश को कह रहे थे, क्या कह रहे थे, विंशति विधाः क्रिमयः, कृमि 20 प्रकार के हैं, ठीक है, नाना विधेन प्रविभागेन, नाना प्रकार के उसके विभाग है। यहाँ पर एक शब्द है अन्यत्र, अन्यत्र यानी छोड़कर, कृमि के 20 प्रकार है, अनेक प्रकार के। तो ये जो प्रकार है ये सहज कृमियों को छोड़कर है। इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर में सहज कृमि भी है, अन्यत्र सहजेभ्य, यानी उसकी टीका है अन्यत्र सहजेभ्य इति अनेन शरीर सहजाः तु अवैकारिकाः क्रिमयः विंशतेः अप्यधिकाः भवन्ति। ये 20 छोड़कर ये कृमि है कौन से, जो शरीर में अवैकारिक रूप में रहते हैं। कृमि में ये भी बताना सिखाना चाहिए कि शरीर में अवैकारिक कृमि भी होते हैं जिनकी गणना 20 में नहीं है। ये अवैकारिक है, ये व्याधिकर नहीं है, ये शरीर पोषक है, ये मल भी नहीं है। नहीं तो इनको मल कहते थे, मल नहीं कहा उनको। इसलिए ये भी शरीर का धारण करने वाले कृमि है, सहज अन्यत्र सहज व्या। इसकी टीका बहुत बढ़िया है, फिर से एक बार पढ़ता हूं, अन्यत्र सहजेभ्या इति शरीर सहजाह, सहजाह का विसर्ग है उसको निकालना है, तू अलग करना है और अलग करना है, अवैकारिकाह क्रिमयो विशत विंशते है अपि अधिकाह, विंशते से भी ज्यादा है, ये इससे अधिक है। तो ये इनका भी, इनका वर्णन हमने किया नहीं है, ये जो वर्णन चल रहा है ये वैकारिकों को छोड़, अवैकारिक यानी सहज को छोड़कर कर रहे हैं। तो उसमें फिर क्या बताते हैं, पुरुषजाः,
श्लेष्मजाः शोणितजाः और मलजाश्च। अब प्रश्न है कि आपके जितने भी कृमिगण द्रव्य है क्या इन सब पर काम करने वाले हैं? इसका उत्तर बाद में देंगे। यानी कृमिगण कहने के बाद हमें इन सब का विचार करना है, वैकारिक कृमियों का विचार करना है, केवल एक कृमि का नहीं, सबका करना है। अब देखिए तो उसमें सब मलजाह कौन से होते हैं? तो मलजाह में उसका वर्णन करते हैं बाह्य मलजाह। श्लोक नंबर 10 पढ़ो। तत्र बाह्य मलजाह तान मलजान संचक्ष्महे तेषां समुत्थानम् मृजा वर्जनम् स्थानम् केश स्मश्रु लोम पक्ष्म वासांसि संस्थानम् अणवः तीलाकृतयः बहुपादाः च वर्णः कृष्णः शुक्लः च नामानि यूकाः पिपीलिकाः च प्रभावः कण्डूजननम् कोठ पीडकाभिः निर्वर्तनम् च चिकित्सितं तु खलु एषाम् अपकर्षणम् मलोपघातः मलकराणां च भावानाम् अनुपसेवनम् इति। यानी शरीर के बाह्य भाग में, कपड़ों में, केश में, स्मश्रुओं में, इनमें भी कृमि होते हैं और उनके भी लक्षण दिए हैं, तो इसके लिए चिकित्सा भी है कि तेषाम् अपकर्षणम् एक, दूसरा मनोपघात, जो मन शरीर में इसका भी नाश आपको करना पड़ेगा। इसमें मन में बाह्य मन भी है, श्लेष्मा भी है, स्वेद भी है और इसका कारण क्या बताया है? मृजा वर्जनम च, स्वच्छता का अभाव, और मलकराणाम भावानाम च अनुपसेवनम इति, मलकर भावों का सेवन नहीं करना, ये बाह्य कृमि के लिए कहा। इसमें कंडू कोट पीड़िका है, कंडू है, कोट है, पीड़िका है, जो कल हमने पिछले पिछले क्लास में पढ़े थे, पिछले दिन कंडू गुण द्रव्य उनका प्रयोग यहाँ करना है, पद्धति भिन्न है, करना है। उसके बाद आते हैं शोणित जानाम, 11 नंबर पढ़ो। शोणित जानाम तु खलु कुष्टैः समानं समुत्थानं स्थानं रक्तवाहिन्योधमन्यः रक्तवाहिन्योः धमन्यः। क्या है रस रक्त वह श्रोतस तन्निबद्ध सभी अवयव। संस्थानम क्या कैसी होती है? अणवः अणवः वृत्तः च आपादाः च वृत्ताः आपादाश्च सूक्ष्मत्वाच्च एके भवन्ति अदृश्याः। वर्णः ताम्रः नामानि केशादा लोमादा लोमद्वीपाः संसरा औडुम्बरा जन्तुमातरश्च इति। प्रभावः केश स्मश्रु नख लोम पक्ष्म अपध्वंसः। व्रणगतानां च हर्ष कण्डु तोद संसर्पणानि। अतिवृद्धानां च त्वक् शिरा स्नायु मांस तरुणास्थि भक्षणम् इति। चिकित्सितम् अपि एषां कुष्ठैः समानम्। तद उत्तर कालम उपदेक्षामः। अब इनकी उस संप्राप्ति कुष्ठ के समान है और चिकित्सा भी कुष्ठ के समान है और उसपे भी आपको इन कृमिग्न द्रव्यों का उपयोग प्रक्षालन मार्जन और अभ्यंतर करना पड़ता है। अब इसके बाद आता है श्लेष्मजाः। श्लेष्मजाः में पढ़ो। श्लेष्मजाः क्षीर गुड़ तिल मांस मत्स्य
अनुपमांस पिष्टान्न परमान्न कुसुंभ स्नेह कुसुंभ स्नेह अजीर्ण पूती क्लिन्न संकीर्ण विरुद्ध असात्म्य भोजन समुत्थानाः तेषां आमाशयः स्थानम् ते प्रवर्धमानाः तु ऊर्ध्वम् अधो वा विसर्पन्ति उभयतो वा संस्थान वर्ण विशेषाः तु श्वेताः पृथु ब्रध्न संस्थानाः केचित् केचित् वृत्त परिणाः गंडूपद आकृतयः श्वेताः ताम्र अवभासाः च। बस इतना काफी है। अब ये शोणित जानाम वर्ण हुआ उसमें एक शब्द आपने देखा होगा केचित् सूक्ष्मात् अदर्शनः सूक्ष्मत्वाच्च अदृश्याः। ये अदृश्य कृमि है, सूक्ष्म है, इनका भी विचार आपको करना है। और श्लेष्म जा में ये भी संतर्पण जन्य है, क्षीर गुड़ तिल मत्स्य अनुपमांस पिष्टान्न पिष्टान पिष्टान परमान कुसुम्भ ये सभी संतर्पण है। अब इनके प्रकार वगैरह दिया है, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। और उसके लक्षण क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। पहले रुल्लास अस्य श्रवणम अरोचक अविपाकौच ज्वरः मूर्छा जुम्भ क्षवतु अनाह अंगमर्द छर्दी, ये उनके लक्षण होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इनकी चिकित्सा में क्या सिद्धांत है। अब इनके सिद्धांत बताते हैं 14 नंबर के श्लोक में देखो। चिकित्सितम तु खलु एषाम चिकित्सितम तु खलु एषाम समासेन उपदिश्य पश्चात् विस्तारेण उपदेक्षामः तत्र सर्वकृमीणाम् अपकर्षणम् एव आदितः कार्यम् ततः प्रकृतिविघातः अनन्तरं निदानोक्तानां भावानाम् अनुपसेवनम् इति। देखिए हर व्याधि में हम पहले कहते हैं हेतुबंध करो। यहाँ कृमि का शोधन करना है, इसलिए कृमि को अपकर्षण पहले करना है, इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि निदान वर्जन ये बाद में करो, पहले कृमि का अपकर्षण करो। अपकर्षण कैसे करना तो उसका वर्णन करते हैं, पहला अपकर्षण करना है, दूसरा प्रकृति विघात करना है, और फिर निदान परिवर्तन करना है। यह क्रम शोधन के लिए है। और जहाँ शोधन नहीं करना है, जहाँ कृमि के बल कृमि का बल अत्यल्प है, वहां पर आप कृमिग्न चिकित्सा करते समय पहले आप हेतु बन करेंगे और फिर कृमि की प्रकृति विघात चिकित्सा करेंगे, और अपकर्षण पहले कर लेंगे। अपकर्षण के बाद शोधन नहीं करना है तो आपको फिर हेतु अपकर्षण करने के बाद सीधा हेतु बन करना है, उसके पहले नहीं करना है। तो अभी अपकर्षण कैसे करना है? तो हस्ते न उपकरण बनता है, उपकरणों से तत्र अपकर्षणम हस्तेन अभिगृह्य विमृश्य उपकरणवता अपनयनम विमृश्य उपकरणवता अपनयनम अनुपकरणेन वा स्थानगतानां तु कृमीणां भेषजेन अपकर्षणं ज्ञायतः तच्चतुर्विधम्। आवाजत गोंधळ येतो काहीतरी। हॅलो, आवाज तुटतोय, काय प्रॉब्लेम आहे? येतोय का आता? माझा आवाज तुटत नाही ना? नाही सर। हा मग हा आवाज वाजणारा, आवाज तुटतोय तेव्हा थोडा मी वाजतो, काय प्रॉब्लेम आहे बघा। तर इथे हस्ते ना अभिगृह्य, हाथ से पकड़ कर भी निकाल सकते हो, विमृश्य उपकरण है ना, उपकरण से उनको आप ये कर सकते हो, निकाल सकते हो। और
अनुपकरणेन, अनुपकरण बिना अनुपकरण के भी कर सकते हो, यानी उसकी पद्धति है, कुछ दवा या डालो निकल आते हैं। तो स्थानगतानां क्रिमेण अपकर्षण न्यायतः, यथा न्याय जैसे जैसे करना वैसा अपकर्षण करो, और उसके लिए कैसे कर, उसके लिए उपाय बताते हैं। शुरू विरेचन वमन विरेचन आस्थापनम च इति अपकर्षण विधि, इस प्रकार उनको आपको निकालना है। अब ये निकालने के बाद फिर आपको प्रकृति विघात करना है। जब आप प्रकृति विघात प्रारंभ करेंगे तब आप विचार करेंगे हेतु क्या है। अब ये प्रकृति विघात क्या है, देखिए, प्रकृति विघात स्तुषाम प्रकृति विघातः, विघातः विसर्ग है, एषाम तू एषाम इसे तू भी है उसको अलग निकालना है। प्रकृति विघातः ये समस्या शब्द है, प्रकृति विघाता का अभिप्राय है कारणानाशः, कारण कौन है, श्लेष्मा साममल क्लेद, प्रकृति का अर्थ यहाँ पर कारण है। प्रकृति विघातः प्रकृतेः विघातः, और प्रकृति के स्थान पर कारण शब्द का प्रयोग करते हैं तो कारणानां विघातः, हेतु का करते हैं तो हेतूनां विघातः। अब हेतु कौन से इसमें दोष है, मल है, क्लेर है, और इनसे दुष्ट धातु है, तो इनका नाश करना है, इसलिए प्रकृति विघातः। ये कैसे किया जाता है, तो एषाम प्रकृति विघातः तु एषाम, एषाम ये है षष्ठी है बहुवचन, कैसे करना, कटु तिक्त कषाय क्षारोष्णानां उपयोगः, कटु तिक्त कषाय क्षार उष्णानां उपयोगः, यानी रुक्ष द्रव्यों का, कटु द्रव्यों का, लेखन द्रव्यों का प्रयोग आपको करना है। और इसके अतिरिक्त एक शब्द और प्रयोग में आते हैं, वो कहते हैं यच्च अन्यदपि किंचित श्लेष्म पुरीष प्रत्यनेकभूतम तत्सात, इसके अलावा अन्य जो भी द्रव्य श्लेष्म प्रत्यनेक हो, यानी श्लेष्मा के श्लेष्मा को कम करने वाला हो और पुरीष के दोष को निकालने वाला है और पुरीष की मात्रा कम करने वाला हो, ऐसे सभी द्रव्यों का प्रयोग आप कर सकते हो। और फिर अंत में कहते हैं निदानानां परिवर्जनम च, यानी रुग्ण चिकित्सा में आपको चिकित्सा की दिशा क्या है, प्रकृति विघात अपकर्षण है, तो अपकर्षण के लिए कुछ जो पोष्टगत कृमि होते हैं उसके लिए कुछ द्रव्य दे जाते हैं, जैसे आदिवासी वनवासी क्षेत्र में कुछ द्रव्य ऐसे प्रचलित है कि जो कृमियों के लिए दिए जाते हैं पेट में, उनमें से एक है डीके वाली, दूसरा है कपी कच्छू के ये दवा होते हैं, तुष होते हैं, वो ऐसे अनेक द्रव्य है, तो ये कृमियों को निकालते हैं। और इसके अलावा अतिरिक्त फिर आप वमन बस्ती विरेचन इनका प्रयोग भी कर सकते हो। बलवान व्यक्ति में शोधन, बलवान नहीं है तो सामान्य चिकित्सा आप कर सकते हो। इस प्रकार कृमि की चिकित्सा में प्रकृति विघात ये कृमिघ्न है, और ये जो द्रव्य है ये सभी द्रव्य इसी प्रकार के हैं, प्रकृति विघात करने वाले हैं। ये बाह्य में भी आप प्रयोग, बाह्य कृमि में भी आप कर सकते हो, और इनका प्रयोग अभ्यंतर भी कर सकते हो। बाह्य कृमि के लिए भी शरीर के दोष ही कारण है, और भुजावर्जनम ये दूसरा कारण है, तो उनमें भी ऐसे हेतु जो क्लेद शरीर में क्लेद करे, पसीना ज्यादा आए, ऐसे हेतु हो क्लेद उत्पन्न करने वाले, वो उसको बंद करेंगे और फिर कटुतिक्त कषाय का प्रयोग करेंगे।
शून्यता योग में भी यही प्रक्रिया करनी है, वहां पर आवश्यक हो तो शोधन वगैरह करना है, और पुरुष जी ने भी यही करना है, श्लेष्मज ने भी यही करना है। इस प्रकार कृमियों का घनत्व ये प्रकृति विघात है, कारणों को दूर करना ये प्रमुख है, और फिर अपकर्षण ये दूसरा है। जो अपकर्षण करने वाले द्रव्य है उनको भी आप कृमि विघ्न कह सकते हो। जैसे कुछ द्रव्य है कि जो बड़ी मात्रा में देने के बाद कृमि बाहर निकलते हैं, जैसे करंज तेल का वस्ती रहते हो तो कृमि मात्रा में दिया और वो उसके बाद मिलो दिया तो कृमि भी बाहर पड़ते हैं। एरन तेल का वस्तु दिया कृमि बाहर पड़ते हैं, तीक्ष्ण निरोध दिया कृमि बाहर पड़ते हैं। इस प्रकार अपकर्षण और फिर प्रकृति विकार और हेतु वर्ण हेतु वजन ये सभी कृमि ग्रह है, ये कृमि ग्रह हुआ। अब हम जाएंगे अपने अध्याय 6 पर। आज हम देखेंगे वसंत ऋतुचर्या। वसंत ऋतुचर्या वसंत हेमंत, हेमंत हो गया हेमंत हो गया ना, शिशिर शिशिर और फिर वसंत। श्लोक नंबर 19 से आगे चरक सूत्र स्थान अध्याय 6 श्लोक नंबर 19। हेमंत शिशिरौ तुल्यौ शिशिरे अल्प विशेषणम् रौक्षम आदानंच शीतम् मेघमारुत वर्षयम् तस्माद् हेमंतिकः सर्वः शिशिरे विधिः इष्यते निवातम् उष्णम् तु अधिकम् शिशिरे गृहम् आश्रयेत् कटुतिक्त कषायाणि वातलानि लघूनि च वर्जयेत अन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च। हाँ, अब हमें ध्यान देना है कि जैसे ही शिशिर ऋतु प्रारंभ होता है वैसे उत्तरायण प्रारंभ होता है, यानी धीरे धीरे उष्मा बढ़ते रहता है भारत में, अन्यत्र नहीं, ये वर्णन भारत का है। तो इसलिए ये आदान काल प्रारंभ होता है, आदान काल का प्रारंभ हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आदान काल के प्रारंभ में रुग्ण का बल उत्तम होता है, क्योंकि पीछे शिशिर और हेमंत से बल प्राप्ति हो गई है, इसलिए शिशिर में विसर्ग काल का अंतिम काल होने समाप्त हुआ है, इसलिए बल उत्तम होता है। फिर भी यहां से आदान का कार्य धीरे धीरे प्रारंभ होता है, रोक्ष होना शीत तो है ही और रोक्ष का प्रारंभ भी होता है आदान में। और शैत्य क्यों है तो इन ऋतु में कभी कभी मेघ भी आते हैं, शीत मारुत भी आता है और वर्षा का प्रभाव के कारण इसमें ठंड अभी भी कुछ मात्रा में शैत्य है और वो वर्षा तो बढ़ता ही है। हेमंत का शैत्य है और वर्षा से भी शैत्य उसमें और बढ़ता है, इसलिए शिशिर ऋतु में और हेमंत ऋतु में यदि भी आदान काल का प्रारंभ हुआ है चिकित्सा में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। उल्टा ग्रंथकार ये कहते हैं कि शिशिर में यदि वात ज्वर हुआ है तो उसको नंदन करना चाहिए, यदि समावस्था है शिशिर भी वात कितना आना चाहिए, वात ज्वर को भी करना है और बाकी लोगों को भी करना है, नंदन करना कर सकते हो, उपाय दे सकते हो। तस्मात हेमंती कहा सर्वः विधिरिष्यते, सभी व्यक्तियों में हेमंतिक चर्या ही करनी है।
उसमें एक विशेष बात रखते हैं, निवातम उष्णम अधिकम, यहां पर यदि वर्षा होती है और शैत्य बढ़ता है तो उसके लिए उष्णम अधिकम, थोड़ा सा हेमंत से भी ज्यादा प्रयास आपको अपना निवास उष्ण रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अधिकम गृहम आश्रये, उष्णम अधिकम निवातम उष्णम अधिकम, उष्णम अधिक ये उष्ण का विशेषण है, गृहम गृहम के विशेषण दोनों है, अधिकम उष्णम आश्रये, आश्रय दिख रहे पद है गृहम आश्रय, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। और एक एक विशेष रूप से बताते हैं कि यहाँ पर अब तो पित्त कषायानि लघूनि च वर्जयेत, अन्नपानानि शीतलानि च, शीतलानि वर्जयेत, लघूनि वर्जयेत, पित्तानि वर्जयेत, कटु वर्जयेत, कषायानि च वर्जयेत, शिशिरे शीतलानि अपि, यानी शिशिर उपने चिकित्सा वही करती है जो हेमंत में करते हो। तो फिर यहाँ से प्रारंभ होता है वसंत ऋतु की चर्या, ये महत्व की है। चलो पढ़ो। चरक सूत्रस्थान अध्याय 6 श्लोक नंबर 22। वसन्ते निचितः श्लेष्मा दिनकृत भाभिः ईरितः कायाग्निं बाधते रोगान् तथा प्रकुरुते बहुन् तस्माद् वसन्ते कर्माणि वमनादीनि कारयेत् गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरं दिवा स्वप्नं च वर्जयेत् व्यायाम उद्वर्तनं धूमं कवलग्रहम अञ्जनम् सुखाम्बुना शौचविधिं शीलयेत् कुसुमागमे चंदन अगरु दिग्धांगो यव गोधूम भोजनः शारभम शाशम ऐणेयम् मांसम लावकपिञ्जलम् भक्षयेत् निर्गदम सीधुम् पिबेत् माध्विकम् एव वा वसन्ते अनुभवेत् स्त्रीणां काननानां च यौवनम्। वसन्ते निचितः श्लेष्मः, अब यहां हेमंत और शिशिर में श्लेष्मा संचय हो रहा है और वसंत में वो संचित है, यानी निचितः ये कबूतर हो गया, संचित हुआ है ऐसा, तो ये बुद्ध का वाचक क्रियापद बना है। निचय निचयन्ति निचयन्तः निचयतः निचितः, तो प्रत्यय लगकर इसका बुद्ध का हुआ है वसंते निचितः। श्लेष्मा वसंत ऋतु में हेमंत शिशिर में संचित श्लेष्मा क्या करता है, कायाग्निम बाधत है, ये श्लेष्मा कायाग्नि को बाधा करता है। क्यों करता है, दिन कृत ये समासिक शब्द है, दिनस्य उष्मणा कृतः, जो काल आदान काल शुरू हुआ है, सूर्य का उत्तरायण शुरू हुआ है, उष्मा बड़ा है, दिनकुल यानी उष्मा, दिनकुल यानी सूर्य, तो दिनकरस्य भा यानी तेज, दिनकृत दिनकरेण कृतः दिनकरस्य भा तेन ईरितः, सूर्य के किरणों से तेज से जो श्लेष्मा ईरित हुआ यानी कुपित हुआ यानी द्रवित हुआ है, तो दिनकरस्य उष्मणः निलयित श्लेष्मा, ये उसका अर्थ है। ये कायाग्नि बाधत है, ये पहले काम क्या करता है, कायाग्नि को बंद करता है, इसलिए क्या करना चाहिए,
एक तो कायाग्री बंद करता है, और एक बार कायाग्री बंद हुआ तो कुरुते बहु रोगान रोगान बहुवचन है, रोग शब्द का रोगान या रोगान जो अनुस्वार है उसका स बन गया है, रोगांश तथा उपचार ऐसे करते हैं रोगांश तथा, तो रोगान शब्द है स को निकाल देना है, हलंत न रखना है, तथा उसके बाद प्रकृते बहुन, प्रकृते क्रियापद है, बहुन ये विशेषण है, बहुन रोगान कुरुते, इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए तस्मात क्लेश का विलय होता है, अग्नि को बाधा करता है और रोग उत्पन्न करता है, इसलिए वसंते कर्माणि कारये, वसंत में उसके विरुद्ध कर्म कर रहे हैं, कौन से कर्म करोगे, पवनादिनी पवनादिनी में नस्य दंदोष कवल इत्यादि अपेक्षित है, पवनादिनी आदिनी शब्द में वमनम शिरोविरेचनम गंडूष धूम्रपान इत्यादि ने कार्येत, कार्येत ये क्रियापद है, करवाओ इस अर्थ में है, तो यह हुआ चिकित्सा का एक भाग। दूसरा भाग का रकार बना है गुरु अम्ल, व में अ है उसको निकाल देना है, गुरु का र ऊपर हो गया और उ का व हो गया है, इसलिए गुरु अम्ल हो गया, गुरु और अम्ल, तो संधि में र को भी अलग निकालना है और उ को भी अलग निकालना है, इसलिए गुरु अलग निकालना है और अम्ल स्निग्ध मधुरम वर्जये, गुरु वर्जयेत, अम्ल वर्जयेत, स्निग्ध वर्जयेत, मधुरम वर्जयेत, ये गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरम ये एक समासक शब्द हो गया है, चार चीजें इकट्ठे मिलाकर बनाया है, उनको वर्ज करिए, मधुरम वर्जयेत, और क्या वर्जन करें, दिवा स्वप्नम च वर्जयेत, दिवा स्वप्न नहीं करना है, ये वर्ज हुआ। अब करना क्या है फिर, शीलये वर्जित हो गया, इसके विपरीत शीलये, शीलये क्रिया पद है, देखो सुखा मुना शौच विधि शीलये कुसुम अगमे, अब उसके पहले व्यायाम उद्वर्तनम शीलये, ये भी सामासिक शब्द बना है, व्यायाम च उद्वर्तनम च शीलये, धूपम शीलये, कवल ग्रह शीलये, कवल ग्रह और अंजन का सामासिक शब्द बना है, कवल ग्रह अंजनम च शीलये, और एक चीज और बताई है, कुसुमागमे में यानी वसंत ऋतु में, कुसुम शब्द वसंत का नाम है, कुसुमागमे शीलये, ये शीलये में और एक एडिशन करना है, क्या एडिशन करना है, शौच विधिम सुखम गुना शीलये, पाद धावन मलायनानी इनका धावन, ये सुखम गुना करना है, उष्ण से नहीं करना है, शीत से नहीं करना है, सुखम गुना करना है, सुखम गुना करने का कारण ये है, इसमें उष्मा सूर्य का बढ़ता है इसलिए उष्ण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उष्मा बड़ा है तो अति शीत का भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीतेन श्लेष्मा त्यायते, शीत से श्लेष्मा को फिर होता है, फिर से वो एक जगह स्थान ग्रहण करता है, स्थान संक्षय करता है, इसलिए सुखम गुना शौर शौच विधि शीलये, और इसके साथ साथ क्या करना है, शरीर को चंदन अगरु इनका लेप लगाना है, भोजन में क्या करना है, जब और मांस यदि खाने वाले हैं तो क्या करेंगे, शारवम शाशम
ऐनेयम मौसम लाव कपिलजनम भक्षेत निगदम। अब ये निगदम शब्द और भक्षेत शब्द, भक्षेत का तो नीव मिल गया है, उसको नीव आ गया, भक्षेत तो का न हो गया है, तो भक्षेत निगदम। अब निगद शब्द के दो अर्थ है, एक अर्थ है आवाज करना, दूसरा अर्थ है विकृति व्याधि। तो निगदम मौसम भक्षयेत, निगदम मौसम भक्षयेत। मौस किसका? शारवम, शरव का शारव होता है, शरद का शारदीय बनता है, वसंत का वासंतिक बनता है और वर्षा का वार्षिक बनता है। इस प्रकार ये शारव का शरव का शारवम, शश का शाशम, एण का ऐणम, लाव कपिंजलम, निर्गदम भक्षे, जो विकृत नहीं हुआ है, संकीर्ण नहीं हुआ है, उसको रोग नहीं है, कोई रोगी नहीं है, ऐसे प्राणी का मांस। और दूसरा निगद शब्द से निगदम शीरु पिए, शीरु पिए वो भी कैसे हो, विकृत न हो, विकृति रहित नियमित योजनाबद्ध और विधि विवृत्त, उसका भी विधि होगा कैसे होनी चाहिए बनाते समय। विवेक मार्गिक, मार्गिक मार्गिक को भी पीना चाहिए। इस प्रकार ये वसंत ऋतु की दिनचर्या यहाँ पर बता दी है। अब इसमें प्राय सभी विषय आ गए हैं और कुछ बचे हैं, तो अब वैसे कल मैं आपको विश्वास हो चुका है, कुछ बात बचे हैं और अच्छा है, उसको देखना है, तो कल विश्वास बता दूंगा। दादा ने बताना है तो आपके बता दें, लेकिन यहाँ पर जो टीका 26 के श्लोक की उस टीका में दो वाक्य बड़े महत्वपूर्ण है, इसलिए वो बहुत अच्छा से समाप्त होता है। तो देखिए ऊपर से छठवीं लाइन, भगवान आदि ही भगवान को नाम नाम ही वमन, हाँ वमनादीनी वमन प्रधानानी तेन आदान मध्यत्वेन यदि वात पित्त प्रकोपाः तथा विधो भवति तदा विरेचन आस्थापन अनुवासनानाम अपि प्रवृत्ति ही भवति। शिरो विरेचनम तु कफजयार्थम कर्तव्यम्। वसंत शब्देन अब यहाँ पर देखिए कि आदान काल का प्रारंभ शिशिर में हुआ है और वसंत ही उसका मध्य है और ग्रीष्म उसका अंत है। अब परिणाम क्या हुआ इसका? आदान काल के रूप में पित्त का प्रकोप, गुण वृद्धि, सूर्य का उष्मा बढ़ रहा है इसलिए पित्त की वृद्धि, और श्लेष्मा द्रवित हो गया, श्लेष्मा की भी वृद्धि होती है, यानी ये आंशिक त्रिदोष है, आंशिक संनिपात है। अब इसलिए आपको चिकित्सा ने वमन आदि ही कहा है, तो तदा धीरे चुना सूक्ष्म, पहले वमन फिर सौम्य विरेचन और फिर सौम्य अस्थापन और फिर अनुवासन, ये भी आपको करना कर्तव्य। अब यहाँ पर शिव विरेचन भी करना है, मुझे आ गया और गंगुश्वर का नाम उसका उपयोग आ गया है। इसके बाद एक चीज लिखा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अगले चर्चित करके लिखते हैं। वसंत शब्देन वमनम प्रति चैत्र एव बोधयः, वमन के लिए चैत्र ही लो, किसके लिए है वो वर्णन, ये वर्णन किसके लिए है? चैत्र वैशाख वसंत होता है सामान्य तौर पर, लेकिन ग्रंथकर्ता इन्हें चक्रपाणी यहाँ पर आपको सचेत करते हैं, जिन प्रदेशों में प्रावृत नहीं होता है
देखिए पढ़ता हूँ मैं, वसंत शब्देन भगवानं प्रति चैत्रय बोधव्यः येन दोषचया चयाद्यर्थं पंचकर्म प्रवर पंचकर्म प्रवृत्त्यर्थं च अभिधातव्यः ऋतुक्रमेण प्रावृतादि ऋतुक्रमेण फाल्गुन चैत्र पर्यन्तो भवति। ये प्रावृत को गृह पते हो तो फाल्गुन चैत्र ये वसंत आता है न वैशाख। इस प्रकार आपको भवन ये करना है, वैशाख की रानी लिखना है, चैत्र भी ही करना है। और जहाँ पर प्रावृत नहीं है वहां पर एक पुराना जो है थोड़ा सा चैत्र आपको रुकने रुकने आपत्ति नहीं होती है। इस प्रकार ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। इसका कोई प्रश्न है तो पूछ लो। हो सर प्रश्न आहेत, एक मिनट। पहला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में भोजन के साथ मधु लेने के लिए कहा है, परंतु भोजन उष्ण हो तो मधु को कैसे लेंगे? हाँ तो भोजन बहुत गर्म हो तो उस अवस्था में अपेक्षित नहीं है, तो उसके लिए आपको पर्याय निकालने पड़ेंगे कि शुरू शुरू में जब भोजन गर्म होता है तो उसमें आप नहीं लेंगे, अंतिम जो पदार्थ है उसके साथ आप उसको ले सकते हो, नहीं तो भोजन समाप्ति के बाद कुछ समय के बाद आप मधु का मधुदक का अनुपान कर सकते हो, उस समय नहीं करना। इसके लिए आपको युक्ति पूर्वक सब करना होगा। गरम गरम चावल खा रहे हो उसके में हम बहुत डाल रहे शनि को, डबल गरम गरम दाल खा रहे हो उसमें शहद डाल रहे ऐसा नहीं करना, गरम गरम रोटी खा रहे उसको शहद लगा रहे ऐसा नहीं करना। पहले एक तो उसको सामान जो उसका पैदा ही है, नहीं तो भोजन के बाद मधु डालकर जलपान करिए, जब तो वो जलपान भी उष्ण नहीं होना है, सुख उष्ण होना है, और उससे युक्ति पूर्वक करना दूसरा है, जगह पर युक्ति लगाना। जी सर, शोणितजक कृमि की चिकित्सा क्या करनी चाहिए? जो उसके लिए वही करना, उसके रक्तमोक्षण करना है, हेतु बंद करो, शोधन करो, रक्तमोक्षण करो, विरेचन करो, और फिर कृमिग्र द्रव्यों का पार कृमिग्र द्रव्यों के द्रव्य यानी कटुपित्त द्रव्य यदि श्लेष्मा प्रधान है, लेद प्रधान है तो अन्यथा पित्त शमक द्रव्य से आप पित्त मधुर से कर सकते हो, और यदि हेतुओं में क्लेद प्राधान्य है, दिवास्वाप, अव्यायाम, दधि सेवन, मांस सेवन, दुग्ध सेवन वगैरह है, रक्तभूपान वगैरह है, दिवास्वाप है और रक्त दुष्ट है, तो इसमें आप पहले कटुतिक्त का प्रयोग करेंगे, कटुतिक्त कषाय का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर उशीर चंदन इनका प्रयोग करेंगे, और उसके बाद फिर आप मृतपान वगैरह करेंगे। इसलिए कृमि गृह द्रव्यों का प्रयोग पहले प्रतिशत के रूप में कर लेना है। ओके जी सर, पुराण घृत कौन से धातु के पात्र में रखना है, और अगर रखना है तो उसमें गुड़ डालते हैं क्या, खराब न होने के लिए गुड़ डालना चाहिए क्या? इसमें पुराण घृत का अभिप्राय ये 10 साल 100 साल पुराना ऐसा नहीं है, यहाँ वार्षिक पुराना है, 1 वर्ष हो गया है, और इसका प्रयोग आप बर्तन में रख सकते हो, मिट्टी के बर्तन में रख सकते हो, और फिर अन्य कांच के बर्तन में रखते हो, चीनी माटी में रखते हो। हेलो सर, ऐकू नाही येते।
हेलो यदि पुराना है, यदि 1 साल का पुराना है, तो उसको जब भोजन करेंगे आप, उसको लेंगे, तब उसको एक बार निकाल कर उसमें सुगंधित द्रव्य डालकर उसको एक बार उबाल कर फिर खाना है, तो अनभिष्यंती बनता है, वो खाना है। आगे सर अजीर्ण में दिवास्वाप करना क्यों कहा है? अजीर्ण दिवास्वाप का अर्थ यह है, सोना नहीं है, पड़े रहना है। क्योंकि यदि आप अजीर्ण अवस्था में व्यायाम करोगे तो ये सामरस शरीर में घूमता रहता है और उसके परिणाम में बाधा आती है, इसलिए पड़े रहना है। अब नींद लगे तो भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां तक है नींद नहीं लगने देना है, वो रुके नहीं, संवन में है जो दोष है वो रुके नहीं, और व्यायाम कर कर सामो दोषों को आप शरीर में नहीं जाओगे। व्यायामात सामो दोष भी घूमते हैं शरीर में, इसलिए पड़े रहना है। आगे एक क्वेश्चन है, हेमंत में तो बिना भोजन शैत्य किए से, पड़े रहना, हाँ बिना भोजन किए और जी सर, पढ़ना है, इसलिए हाँ जी सर, नींद लगे तुम्हें आपत्ति नहीं आती है। बोलो। एक क्वेश्चन है, हेमंत में शैत्य से कफ दोष शीत गुण से नहीं बढ़ेगा क्या? शीत गुण से स्कंद होता है, स्कंद होना यानी जम जाना, शीत गुण से वो स्कंद होकर रहता है, इसलिए उसका उतना व्याधिकर प्रभाव नहीं होता है। वो शरीर में घूमता तो रहता है, रुकता कहीं भी नहीं है, लेकिन शरीर में घूमते समय वो कहीं कहीं ऐसे फैलता नहीं है, चलता रहता है। जब वो विलयित हो जाता है तो उसको फैलने की क्षमता बढ़ती है उसके, और इसलिए विलयित होने तक, जब तक विलयित नहीं होता तब तक वो शरीर में घूमता रहता है, शरीर में गह्वर उत्पन्न करता है, इतना ही करता है, व्यायाम करो तो वो भी नहीं करता है। शीत गुण जाले बढ़ता है, से इसलिए तो उष्ण में रहना है, इसलिए तो सिधु पीना है, मध्य पीना है। जालेत सर हो गए हैं हो गया, अभी आज, हो गया, चलो। हाँ इतने ही क्वेश्चन, धन्यवाद सर। धन्यवाद।